अमृतसर के वल्ला मंडी के असी खड़े हाँ जिथे अमृतसर के लोगों हूँ मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि मंडी के सारिया दुकानदार रफड़ी वाले हड़ताल से चल गए हैं। अनमिथे समय ले हड़ताल की गई है। सो मेन गेट पर तुसी देख सकते हो कि लोग जिहड़े दुकानदार अते रेहड़ियां जिहड़े कि अंदर फड़ियां लांदे सी उन्हां द्वारा हड़ताल की गई है। हड़ताल का कारण भी तुहानू दस्सांगे। सब तो पहला तस्वीरां तुहानू दिखाने की कोशिश करांगे उस जगह दियां जिथों गेट के अंदर एंट्री हुंदी है। सो एक तुहानू तस्वीर होर दिखाने की कोशिश करांगे जिसके करके इन्होंने हड़ताल की है, वह है रेट लिस्ट। क्योंकि इस जगह तो कोई भी जिहड़ा अंदर जाएगा उसनू एक पर्ची देनी पड़ेगी, पर्ची लगती है जिस गुंडा टैक्स नाम दिता गया है। सो यह रेट लिस्ट है जिहड़ी कि पक्की रेट लिस्ट है। तीन पहिया वाहन मेन ओपरेटर 15 रुपये, तीन पहिया वाहन मोटर ओपरेटर 20 रुपये। सो यह पर्ची जिहड़ी इस हिसाब न पैसे जिहड़े लैन की गल कही जा रही है, लेकिन इस तो वध पैसे जिहड़े इस गेट के अंदर एंट्री ते ही लिते जाते हैं। सो उन्हां दे खिलाफ पहला भी मंडी वालों वालों जिहड़े काम करते जिहड़े फड़ी लाते या फिर दुकानदार अन्ना वालों आवाज चुकी गई सी, लेकिन उसका अज तक हले तक कोई असर नहीं है। सो हूँ फिर एक बार अनमिथे समय लई हड़ताल की गई है। सो गलबात भी करांगे। सब तो पहला तुसीं तस्वीर देख सकते हो कि जिहड़ी हड़ताल की तस्वीर सारे दुकानदार अते फड़ी वाले जिहड़े कि इस जगह पर मौजूद है। सो गल करांगे भाजी, तुहाडे मुद्दा तुहाडा मुद्दे की है? मुद्दे साडे इहो है जी कि एक साड़ी पर्ची माफ़ होनी चाहिए जिहड़ी बिना वजह लगी जे, ते एक सानू सहूलतां देण कोई बैन दियां कोई जगह दिती जावे एक बन्ने बैन ली, फिर तो कोई बनता भी है। तो ये तो गुंडा टैक्स चलन दिया इत्थे 100 रुपए की थां ते 300 रुपया, 300 की जगह ते जगह मिल के जी तुहाडी जगह ज्यादा 500। हुण जिहड़ा नग लिया अं 50 नग लैने आड़ती को अं रखने तो है ना, कितने वो भी सानू जी तुम इन्नी जगह मिली है सानू 400 रुपया चाहिए, मिनती जी ताकि इन्नी जगह आन डी है सानू 300 चाहिए। हूँ माड़ा बंदा जिहड़ा 400-500 कमाउन डिया 200 इन्हों दे 100 रुपया मजदूरी दे तो 100 चाह पानी का दे तो घर 100 लैके जाए। ये सोचना एक गुंडे टैक्स आन के गुंडिया पैसे मंगते लियाओ जी अं लैने जानते हैं। जी है रेट लिस्ट लगाई गई है, एक रेट लिस्ट गेट से लगाई गई है जिसके उपर रेट लिखी है। अज ही रेट लिस्ट लाई है। पहले आटो आटो वाले को 50 रुपये लेंदे, वड्डी गड्डी वाले को 400 रुपया, अगे को 300 रुपया। यह अज ही लाई गई है, ये लिस्ट अज घट करके लाती इन्होंने भी जो इन्हों पता लग गया हड़ताल रखी है इन्होंने, उन्होंने ओजला साहब आए ही उन्होंने लिस्ट बदल के हूँ लवाई है। तो रेट लिस्ट के हिसाब से पहला भी रेट लिस्ट लगी ही उस तो वध पैसे लिते जाते? हाँ जी हाँ जी, पहले रेट लिस्ट लगी उस तो वध पैसे लेंदे, आटो वाले को 50 लेंदे ही, हाडे को किसी को 300 किसी को 200, फड़िया जूनियर को किसी को 200 किसी को 300, बदमाशी के नाल पैसे लेंदे ही हाडे को। जे जे असी गल करिए जे जे हुण हड़ताल है सारिया दुकाना बंद है इस दे नाल की फर्क पेगा लोगों को, सब्जियां महंगी मिलूगी? भाजी सब्जियां मिलनिया नहीं है क्योंकि आनी नहीं इत्थे सब्जियां, तो इतने टिंडा तो घिया ही बिकेगा और कुछ नहीं बिकेगा। मंडी अंदर आनी नहीं, कोई मंडी के गड्डी कोई नहीं आएगी। प्रशासनिक अधिकारियों ने गल हुई ढी किसी गल भाजी आन डई आ, लेकिन काम ला रहा जी चलन डिया कि ताडा अं सुर सोचन डे तू दसद हैगे हूँ साढ़े प्रधान है बाटी भाजी होनी क्योंकि वो साढ़े ताज ने समझ लो। इस तो पहला भी तुहाडी मंग उठी सी कि पर्ची तो जिनी रेट लिस्ट लगी उस तो वध पर्ची लिती जांदी है, तुसी पहला भी इस तो पहला भी प्रदर्शन किया है कि उदो हल नहीं आया कोई? नहीं नहीं कोई मसला हल नहीं होया उदो भी, इस तरह मैडम जीवनजोत कौर कह गई 2-3 दिन उन्होंने पर्ची नहीं लई, फिर 2-3 दिन बाद चंडीगढ़ों कुछ लिखा के लाए फिर कट्ठी शुरू कर दी पर्ची करनी उन्होंने, वो लेंदे आते गुंडिया वांगू किसी को 200 लई जाते किसी को 300 किसी को 400 है। सरकार ने साडे नाल नजायज़ की बदमाशा नूं ठेका दे के तो नजायज करके ठेका जबरदस्ती पैसे वसूल करते हो। कितनी देर लई तुसी हड़ताल की? अं अन मिस की जिन्ने चिर लग, जिन्ना चिर साडा मसला हल नहीं हुंदा उन्ने चिर अं हड़ताल ही रखांगे। तो जिहड़ी इस मंडी तो जिहड़ी सब्जियां सिर्फ इत्थे ही सप्लाई हुंदी है या बाहरों भी लोग आंदे? जिहड़ी इस मंडी दे विचों सारे पंजाब नूं सप्लाई हुंदी है जी, मंडी हर श्रीनगर तक सब्जी जांदी है, सब तो वड्डी मंडी है, सप्लाई इत्थे ही हुंदी है, जदों इत्थे ही ना आई तो जाएगी कित्थे, तुसीं ये सोचो।
करोड़ां। तो तस्वीरां तुसी मंडी दियां देख सकते हो कि जिस जगह ते लगातार प्रदर्शन किया गया ते अनमिथे समय लई जिहड़ी हड़ताल की गई है ते हुण नारेबाजी भी की जा रही है क्योंकि जिहड़ा ठेका दिता गया है उन्हां दा कहना है कि गुंडा टैक्स जिहड़ा कि लगाया गया है। इस दे पहले भी अन्ना ने इस टैक्स के खिलाफ आवाज़ चुकी सी लेकिन उसका कोई हल नहीं होया, लेकिन हुण अनमिथे समय लई हड़ताल की गई है ते इस हड़ताल का लोगों नूं काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा क्योंकि जो मंडी ही बंद होएगी तो लोगों तक सब्जी की पहुँच बहुत मुश्किल ना पुजेगी, अगर पुजेगी तो बहुत महंगी पुजेगी। सो इसका असर आम लोगों के अते घर की रसोई पर भी पड़ेगा। अमित शर्मा, पंजाब तक, अमृतसर।